Assalam-o-alakum. क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। फूड स्टडी में आज एक नई रेसिपी आलू मटर की तहरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, साथ ऑल के ऑप्शन को जो है वो क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आलू मटर की तहरी के लिए हमें आलू चाहिए, जिनको मैंने क्यूब्स में इसकी एक ये दो बड़े साइज़ के जो हैं आलू हैं जिसकी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइस में जो है वो इसको कटिंग कर लिया है। इसके अलावा इसमें अचार मसाला है जो घर में बॉटल के अंदर जो अचार होता है उसमें से मैंने एक टेबल स्पून जो है ये अचार मसाला लिया है। इसके अलावा इसमें एक टेबल स्पून हमें लहसुन अदरक की जो है वो पेस्ट चाहिए। एक कप भर के हमें इसके अंदर मटर है और हाफ टी स्पून जो है ये पिसा हुआ गर्म मसाला है। इसके अलावा इसमें 1/4 कप दही है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मोटा मोटा जो है वो काट लिया है और उसके साथ ही इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें भी हैं। इसके अलावा मसालों में हमें यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर चाहिए जो कि 1 टेबल स्पून है, 2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून जो है वो भर के मैंने हल्दी का लिया है। इसके अलावा इसमें साबुत गर्म मसाला है जिसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा है। यहाँ देखिए मैं आधा कप ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, इसमें हम ये स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। और इसको फ्राई करेंगे, ये मैंने बहुत बारीक नहीं काटी है, चावल में जो है तो गर्म होगी और मैंने प्याज कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कलर आने लगने का तो फिर जो इसमें गर्म मसाला डालते हैं। प्याज में बहुत लाइट सा गोल्डन कलर जो है वो आने लगा है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले गरम मसाला डालेंगे। जैसे ही गरम मसाला डालते उसको आने लगेगी तो इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे। इसमें सबसे पहले जो है मैं ये मटर डालूंगी। मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए हम पहले मटर को थोड़ा सा गला लेंगे। इसके साथ ही इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। अचार मसाला भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। गरम मसाला डाल देंगे और हरी मिर्चें। थोड़ा सा भूनकर इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालेंगे ताकि मटर जो है वो थोड़ी देर गल जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि मटर थोड़े से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट तक मटर को जो है तो मैंने इसमें पकाया है। अब मैं इसके अंदर ये दही डाल दूंगी, 1/4 कप दही। दही के साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे।
तब दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया, अब इसमें मैं ये सारे आलू डाल दूंगी और इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि आलू इसमें 5 मिनट पकाने के बाद चावल भी इसी पानी के अंदर गल जाए। अभी मैंने चावल तो नहीं डाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आलू डाले हैं। आलू का भी मैं इसके अंदर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक जो है वो पकाऊंगी। आलू और मटर दोनों अच्छे तरह से इसमें गल चुके हैं। अब इसके अंदर ये चावल जो मैंने आधे घंटे से पकोए हुए थे, ये सारे चावल इसमें डाल दूंगे, क्योंकि आधा किलो चावल रहेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि चावल जो है वो इसमें एक कने पर आ जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकने के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चावल जो है वो कने पर आ गए हैं। अब मैं उन चावल को दम पे लगा दूंगी हल्की आंच पर। आलू मटर की तहरी बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो मैंने इनको दम पे लगाया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आलू मटर की तहरी बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।